नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट गार्डनिंग गाइड में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है चने की खेती। आज मैं आप लोग को चने के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चने को एक प्लास्टिक के छोटा सा टोकरी में किया गया है, और ये चने जो है बड़ा होने के बाद में उसको हम कैसे कटिंग करेंगे, कैसे हम उसको किचन में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो चना होता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा होता है, और हम चाहें इसको लोग शौक से अगर चाहें तो इसको छोटे बालकनी में भी इसको उपजा सकते हैं। उपजाने के बाद में एक तो डेकोरेशन के भी काम करेगा, और दूसरा चीज़ है कि हम इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि ये चना जो है ऊपर से जो हम उसको कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद में जो भी नीचे वाला पार्ट्स रहेगा जो उसको हम बराबर कर दिए हैं, वो क्या है कि फिर धीरे धीरे उसमें से फिर तना फेंकेगा बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में फिर हम इसको कटिंग करेंगे। क्या होता है कि ये जो है दो या तीन बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसमें से हम चने निकाल सकते हैं। और चने का जो पत्ता होता है बेसिकली क्या, इसे फ्रेंड दाल साग और भाजी जैसे चीज़ बनाते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम सबको सरदा शौक़ से ये चीज़ करना चाहिए। थैंक यू।